आज हमारा लास्ट डे है आसाम में, 12 बजने वाले हैं, 12:30 के आसपास हम लोग निकल जाएंगे। आज फ्लाइट है हमारी और ये मेरी पहली फ्लाइट होने वाली है, तो मैंने सोचा कि भाई हाँ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहिए। वैसे तो 4 बजे की फ्लाइट है, 3:55 की, लेकिन हम जल्दी निकल जाएंगे। बीच में अगर ट्रैफिक मिलता है, इधर तो कुछ काम है नहीं, अगर हम जल्दी ही पहुँच गए तो आज हम एक चीज़ और सोचिए कि कार्ड्स पे से एक्सेस आता है ना लाउंज वाउंज का, तो वो भी ट्राई करेंगे, किसी कार्ड पे अगर होगा तो देखेंगे। भाई इधर ही रेलवे स्टेशन गया है, वो आएगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। एक्साइटमेंट तो है, ठीक है, सबको होती होगी पहली फ्लाइट की, हमको भी। और कल रात जो हमने जो मज़े काटे हैं ना, मतलब पूछो मत, हम पूरी रात जगे और रात को लग गई भूख 2 बजे। जोमेटो वोमेटो चेक किया, उन पे थे बट वो डिलीवर नहीं कर रहे थे, तो भाई ऐसा हो गया कि हाँ तो भूख लगी। हम लोग मजे मजे में निकल गए रात को, निकल ढूंढते ढूंढते ऐसी ऐसी गलियों में से निकले और हम पहुंच गए स्टेशन। स्टेशन पे जाके देखा उधर 2-4 ढाबे हमने पहले भी देख रहे, एक बार गए थे तो वो भी क्लोज, मतलब क्लोज नहीं, वो उनका क्लोजिंग टाइम हो गया था, तो वो धो रहे थे, रैप कर रहे थे, ठीक है। हमने सोचा चलो भाई स्टेशन पे कुछ मिल जाए, बंडल में वो भर के समोसे ले आए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे, 12-13 लोग थे, हम लोग समोसे लेके आ गए। अब समोसे लेके यहाँ पे रूम में आके हमने खाने का किया और वो इतने गंदे समोसे की पूछो मत, लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि वो पेल गए सब। अभी लंच करने देन हम लोग निकल जाते एयरपोर्ट के लिए। और ये हमारा पहले रूम अलग था, अभी ये थोड़ा विंटेज सा रूम हमको मिला, कल मिला था हमको, खैर उससे पहले तो हमारा अच्छा वाला रूम था, अभी ये थोड़ा विंटेज वाला रूम है, लेकिन ये भी मज़ेदार है। वाइब है भाई इसमें बहुत खतरनाक वाली, इसमें भी बहुत सारी बातें हुई है, बहुत मज़ा आया। ट्रिप नहीं कह सकते, ये आसाम हम वेडिंग के लिए आए थे, लेकिन ये लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट्स बन चुके हैं, क्योंकि हमने इतनी मस्ती करी है, बहुत मज़ा आया। अभी वापस जाने का टाइम हो गया, बैक टू वर्क एंड बैक टू बेसिक्स, दिल्ली में वापस। मैंने नया नया अकाउंट खोला है, उसमें कार्ड मिला, उसमें लाउंज एक्सेस फ्री था। अभी बढ़िया से मैंने खाना पीला, भाई मज़ा आ गया। वैसे तो होटल से खा के निकला था, लेकिन ऐसे खाने में मज़े लगे ना, तो भी जस्ट लास्ट ड्रिंक ले रहा हूँ अपनी एंड उसके बाद अभी निकल जाऊँगा। बोर्डिंग चालू हो चुकी है शायद से, जा रहे फ्लाइट की तरफ, बोर्डिंग हो रही है। भाई पहली बार घुसने वाला हूँ, कैसा लगेगा इसमें जाना हमको? इन दोनों की पहली फ्लाइट है। रिफ्रेशमेंट मिली हमको थोड़ा, कभी वही खा रहे हैं, मेरे मुंह में छाले और के अभी दवाई लगा के आया। तो हम लोग पहुंच गए दिल्ली एंड भाई लैंडिंग बड़ी एकदम, मेरे को लगा कोई हो गई, लेकिन उसके बाद हम करेंगे सुबह, हार्श थी थोड़ी बट कोई नहीं, मज़ा आया भाई फ्लाइट में। किस भाई को देखो, इसने नहीं सोचा होगा कभी भी कि ये फोटो शूट करा रहा है, वो भी एथनिक में, और उसकी वॉशरूम के बाहर फोटो लगी। मम्मी कैसी लगी फ्लाइट? इतना टाइम हो गया करते करते, वो दिन आ ही गया। मम्मी हमसे पहले फ्लाइट में चढ़ी, हम तो चल बहुत बाद में चले। ओ भाई ये बड़ा वाला एयरक्राफ्ट, ये एयर इंडिया का इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, हम छोटे में आए थे क्या? यू एनी बड़े बड़ो कितना बड़ो मम्मी कैसा स्टूपिड काउंट कर रहा हूँ। क्या मस्त जगह है, क्या मस्त जगह है। एक वो एयरपोर्ट था, एक ये एयरपोर्ट है, बताओ। सर दर्द हो रहा है, सामान आने का 15 मिनट हो गए वेट करते हैं। वेट कर लिया भाई, थक गए बिल्कुल, घूमने वाला हूँ, क्या कुछ सोना है। अभी उबर की है, आएगी जाएंगे, बस टाटा बाय बाय।